हाय कृति, वेलकम टू हिंदी डैश। हमने इससे पहले जब आपको देखा था, जो भी फिल्मों में देखा है, हाँ कि वो बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स रहे हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टर है आरफा का, ये बिल्कुल अलग है। इसके ट्रेलर में जो आपकी आंखों में जो दिख रहा है, वो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स और भी मिले हैं आपको, और कितना अलग रहा है आपके लिए पर्सनली ये कैरेक्टर? Oh my God, that is so sweet what you just said. You made my day. I had at least about four or five people who messaged me, people who know me very closely. They messaged me from the industry after they saw the teaser. And they said, you know, when the camera tilts up and they reach your face, it's like we want to believe you're nice, but there's something about you that's off. Like, समझ नहीं आ रहा कि बंदी के दिमाग में क्या चल रहा है। And honestly, that is exactly what we were trying to achieve with this teaser. So thank you so much that you actually said that, and it really made my day. And that is exactly what we were trying to achieve. And that was my biggest challenge with Arfa Khan, where I had to be. It's the first time I think that in a film I have not brought myself on the table and put a part of my personality into the character, because certain characters have to be done completely differently, and this is the character that made me break out of my comfort zone. क्योंकि आप एक comfort zone के अंदर काम करते हो, आप अपनी एक personal, you know, एक personality character के अंदर लाते हो, and you build traits. यहाँ पर I had to be Arfa Khan from Bijoy Nambiar's point of view 100%. There's not even 1% of Kriti Kharbanda in there. And for me, these are things that I would actually love to adapt from Arfa, where she knows when to speak, how much to speak. वो सोच समझ के बोलती है। Arfa is the perfect blend of vulnerability and strength. She's got both those things. She's got that confidence, which you will see in her eyes, and then वो आप पे छोड़ देगी। आपको जो सोचना है आप सोच लो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ उसको पता है। And that's what I loved about her. I loved about her. Was that difficult for you to portray her actually? जैसे कि बहुत ही आपने बताया बहुत comfort zone से अलग था, 100% बिल्कुल change, एक अलग इंसान है। Was that difficult in some point? कहीं आपको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है? It was liberating honestly. It wasn't difficult. I felt liberated. मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद मुझे किसी ने challenge करा है और मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे मज़ा आया अरफा का किरदार निभाते हुए, और चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं लगा। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे बोला कि हाँ तू कहती थी तुझे एक्टिंग आती है, चल ट्राई कर। वो मेरे को आई थिंक वो चाबी भी बिजॉय नहीं करी थी, और कोई नहीं कर सकता, वो चाबी भी बिजॉय करता है। वे ही टेल्स यू यूर अ गुड एक्टर, एंड देन व्हेन यू डोंट डू वेल ना, ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। ही सेज आई नो यू कैन डू बेटर, एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ कि हम आगे बढ़ के और बेहतर करेंगे। जिस तरह का कैरेक्टर है, मुझे लग रहा है आप जितनी एक्साइटेड है इसको लोगों के सामने पेश करने के लिए, लेकिन फिर भी कृति कहीं ना कहीं कोई और क्रेविंग है किसी और तरह के कैरेक्टर की अभी भी बची है कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर भी करना है? होगा कोई क्रेविंग? ऑफ कोर्स। मुझे एक तो वो मूवी थी ना, एक हसीना थी, श्रीराम राघवन सर, सैफ अली खान, उर्मिला मातोंडकर। आई थिंक फॉर मी उर्मिला मैम्स कैरेक्टर इन दैट फिल्म इज समथिंग दैट आई वुड लव टू प्ले ऑन स्क्रीन। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे वॉरियर प्रिंसेस बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, एंड दोज आर थिंग्स आई वॉन्ट टू डू। आई वॉन्ट टू बी अ वॉरियर प्रिंसेस, एंड आई वुड लव टू डू फिल्म्स दैट आर पीरियोडिक ड्रामास। आई वॉन्ट टू डू अ फिल्म लाइक अ तमाशा, एंड आई वुड लव टू डू अनदर फिल्म लाइक अ सोचाना था। बट फॉर मी दैट वन कैरेक्टर दैट आई रियली वॉन्ट टू प्ले इन माई करियर इज उर्मिला मैम्स कैरेक्टर फ्रॉम एक हसीना थी। आई वॉन्ट समथिंग ऑन दैट लेवल, ऑन दैट पार। सो आई हैव रिसीव्ड मेनी स्क्रिप्ट इन द पास्ट अबाउट यू नो विद थ्रिलर्स फिल्म दैट विल प्रॉब्ली रोटेट ओनली अराउंड मी, एंड दैट इज अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर। बट मेरा बेंच मार्क ही इतना हाई है कि मुझे लगता है उससे बेहतर नहीं आएगा तो मैं करूँगी नहीं। I'd rather not do it than do something that I don't entirely believe in. Arfa Khan usse thoda close aaya mere liye, but it's nowhere like there's no comparison between the two characters. But Arfa, I felt like I was challenging myself with Arfa, and okay. I was finally getting to do a Bijoy Nambiar film, and that is something that I wanted to do, and a lot of people didn't know that about me. Thank you, Kriti, thank you so much. Thank you. Thanks so much.